हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकित मिश्रा वंस अगेन लेकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्लास। तो बच्चों, वो बातें चल रही थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर और वहाँ हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, है ना, टेंसेज और प्रोनाउंस और सेंटेंसेस, ठीक है, और कुछ सेंटेंसेस भी हम लोगों ने फ्रेम किए थे। चलो, तो कुछ बच्चों सेंटेंसेज यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके फाइन, तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाउंस इन वोकेटिव केसेस। कुछ नाउन बच्चों क्या होते हैं, वोकेटिव केस में होते हैं। क्या बच्चों, वोकेटिव केस। अब बच्चों ये वोकेटिव केस क्या है, व्हाट इज दिस वोकेटिव केस, वेट अ बिट, थोड़ा सा वेट करो। ओके फाइन, हाँ बच्चों बातें चल रही थी। नाउन्स इन वोकेटिव केसेस। वोकेटिव केसेस बच्चों क्या है, नाउन के कई केसेस होते हैं बच्चों, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, है ना, सब्जेक्ट की जगह पर कोई चीज़ आ जाए, राम लव्स मैंगो, फाइन, ये सब्जेक्ट राम किसकी जगह पर रखा हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पर रखा हुआ है। एंड आई हेट राम, आई लव राम, यहाँ पर राम बच्चों कहाँ आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस में है ये नाउन, ठीक है बच्चों। पजेसिव, दिस इज राम्स कार, ये राम की कार है, तो राम यहाँ पर क्या है, पजेसिव केस में है, अधिकार बताने वाले केस में है। और एक होता है बच्चों वोकेटिव केस। क्या बच्चों, वोकेटिव केसेस, जैसे कम हियर कॉमा राजू, कम हियर कॉमा राजू, तो बच्चों ये जो कॉमा लगकर अलग से शब्द आते हैं ये है वोकेटिव केस, ये है संबोधन वाले वोकेटिव केस, जब आप किसी को पुकारते हैं, पुकारने वाले, ठीक है बच्चों, हिंदी में आप लिख सकते हैं पुकारने वाले। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस कुछ लिखा हो तो इनमें हमें क्या करना है, जैसे कोई सेंटेंस दिया है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, राजू आई शैल गिव यू अ बुक, मैं आपको एक किताब दूंगा, राजू द टीचर सेड, टीचर क्या बोला बच्चों, द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू अ बुक, मैं आपको एक किताब दूंगी। तो बच्चों ये जो सेंटेंस है हमारा राजू यहाँ पर इंडिपेंडेंटली देखिए कॉमा लगा हुआ है, ये स्वतंत्र है, ये इस रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा नहीं था, है ना, इसका इस क्लॉज का हिस्सा नहीं है, हिस्सा तो है रिपोर्टेड स्पीच का लेकिन ये इस क्लॉज का हिस्सा नहीं है, तो ये स्वतंत्र है, ये वोकेटिव केस है। कैसा बच्चों, वोकेटिव। अब इसे आप कैसे हैंडल करेंगे, इस राजू को, इसे आप क्या करेंगे भाई, इस सेंटेंस में कहीं किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कमी नहीं है, इस सेंटेंस को देख लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब को चेक कर लीजिए, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की कमी है, आप इसे ऑब्जेक्ट बना लीजिए, सिंपल इज दिस, तो बहुत ही आसान बात है। तो कैसे बच्चे इसे बना लेंगे आप, कि द टीचर, आप क्या हो जाएगा, सेट की जगह क्या कर लेंगे, टोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, बहुत आसान चीज है ये। द टीचर, जब भी नाउंस वोकेटिव केस में हो बच्चों, तो क्या करेंगे आप, उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर राजू फिट नहीं होता है कहीं, है ना, और राजू को हटा भी नहीं सकते, बात राजू की चल रही है, तो क्या करेंगे बच्चों, उसे हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। द टीचर टोल्ड राजू, टीचर टोल्ड राजू, राजू को टीचर ने बताया, दैट आई किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना, कि ही, दैट ही, अब ही आ गया बच्चों, ही आया हुआ है, और शैल को हम लोग शुड में या विल को वुड में, तो ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात है, तो ही के साथ क्या लगेगा बच्चों, शैल नहीं, ही के साथ विल लगता है, आई वी के साथ शैल लगते हैं, तो ही के हिसाब से विल तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, वेरी गुड, ही वुड गिव। अब यू बच्चे किसके लिए आया, आई शैल गिव यू अ बुक, तो यू किसके लिए आया, राजू के लिए आया है, और राजू के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में हिम लगा सकते हैं, सब्जेक्टिव केस में राजू के लिए ही आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ सकता है, हिम आ सकता है, तो ही वुड गिव हिम, अर्थात टीचर उसे क्या देगा, ही वुड गिव हिम अ बुक। तो बच्चों वोकेटिव केस में जब भी कोई नाउन मिले, आप उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लें, बहुत सीधी सी बात, बेहद आसान बात, लेकिन अगर नहीं पता तो मुश्किल हो जाती बच्चों, ठीक है। दूसरा देख लिए, एक और एग्जांपल, माय सन्स सेड द ओल्ड फार्मर, आई एम मेकिंग दिस हाउस फॉर यू,
देखिए बच्चों कैसे लिखा हो, ये भी वोकेटिव केस, अलग से माई सांस लिख रखा है। मेरे पुत्र, सेड द ओल्ड फार्मर, ओल्ड फार्मर ने कहा, बूढ़े किसान ने कहा, आई एम मेकिंग दिस हाउस फॉर यू, कि मैं ये घर आपके लिए बना रहा हूँ। हे पुत्र, अरे मेरे पुत्रों, ये घर मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, सेड द ओल्ड फार्मर, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तो क्या करेंगे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो द ओल्ड फार्मर सेड, क्या बनाएंगे बच्चों बोलो, द ओल्ड फार्मर सेड, द ओल्ड फार्मर सेड, सेड नहीं होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो टोल्ड करेंगे, द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स, टोल्ड हिज सन्स, माई की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, हिज हो जाएगा किसान के लिए, है ना, ठीक है। द ओल्ड फार्मर सेड टोल्ड हिज सन्स दैट He was making, am making है, present continuous है, was making हो जाएगा, he was making this house, बच्चों क्या हो जाएगा, that house बना लेंगे उसे हम, this को that में change कर लेते हैं, this है ना, this बच्चों सामने रखी वस्तु के लिए या सामने जो उपस्थित हो, और that किसी पुरानी बात, दूर की बात के लिए, that house for बच्चों for के बाद क्या आएगा, them, very good, बहुत सारे पुत्र हैं उसके, है ना, एक से अधिक हैं, है ना, plural है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, them हो जाएगा, very good। तो ये रही बात बच्चों किस चीज की, ये बात रही वोकेटिव केसेस की। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, वोकेटिव केस है ना बच्चों, वोकेटिव केसेस में कुछ खास नहीं करना रहता है, है ना, ठीक है, वोकेटिव केसेस। तो वोकेटिव केसेस में बच्चों क्या करना है आपको, उन्हें ऑब्जेक्ट बना लेना है, वोकेटिव केसेस में जो नाउन दिए गए हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बच्चों क्या है आपका, टर्म्स ऑफ एड्रेस, क्या बच्चे, टर्म्स ऑफ एड्रेस यानी संबोधन के शब्द जब दिए हों, ये बच्चों संबोधन शब्द क्या है, तो जब आप किसी को दूसरे शब्दों के साथ, जैसे आपने वोकेटिव केस इस्तेमाल किया, इनमें कुछ शब्द आप संबोधन के भी डाल दें, है ना, जैसे माय डियर डॉटर, यहाँ डॉटर नहीं है कि अकेले बच्चों, क्या है, माय डियर डॉटर, माय नॉटी डॉटर या माय नॉटी बॉय, है ना, कुछ दूसरे शब्द, माय ब्यूटीफुल वाइफ, है ना बच्चे, तो कुछ अन्य शब्दों के इस्तेमाल से, कोई नाउन के पहले अगर वे लिखे हों एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है, तो ये बच्चों कहलाते हैं टर्म्स ऑफ एड्रेस, है ना, संबोधन शब्द है बच्चों ये। तो फिर इनमें आपको एक स्ट्रक्चर यूज करना होता है, एड्रेसिंग एज, किसको किस तरह से पुकारते हुए, एड्रेस करते हुए, है ना, आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं किसी तरह से। तो जैसे डायरेक्ट में बच्चों को लिखा हुआ है, माय डियर डॉटर शी सेड आई शैल गिव यू द टॉय, मैं आपको टॉय दे दूंगी, माय डियर डॉटर मेरी पुत्री, मेरी प्रिय पुत्री, शी सेड उसने कहा, आई शैल गिव यू द टॉय, मैं आपको ये टॉय दे दूंगी। तो बच्चों को क्या कर लेंगे, कैसे बना लेंगे, एड्रेसिंग एड्रेसिंग हर, उसको, है ना, किसको, उसको, ठीक है, क्या बच्चों, एड्रेसिंग हर, उसे एड्रेस करते हुए, कैसे, एड्रेसिंग हर एज, किस रूप में, एड्रेसिंग हर एज, हर एज, हर डियर डॉटर, एज हर, माई को बच्चों में क्या, किस में कन्वर्ट कर लोगे, माई को हर में, है ना, एज हर डियर डॉटर, एज हर डियर, एज हर डियर डॉटर, शी सेड, उसने कहा अपनी पुत्री को, डियर डॉटर एड्रेस करते हुए उसने कहा, शी सेड दैट उसने कहा कि she would के साथ क्या आएगा बच्चों, will आ जाएगा, she would, और will को would में change कर देंगे, that she would give her the toy, she would give her the toy
एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, उसको एड्रेस करते हुए किस रूप में, एज हर डियर डॉटर, है ना, ये एड्रेस करते हुए शी सेड, उसने कहा दैट शी वुड गिव हर द टॉय, वो उसे क्या दे देगी, टॉय दे देगी, खिलौना दे देगी। एक और है नॉटी बॉय, द नॉटी बॉय, नॉटी बॉय सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, तुम दोबारा लड़ रहे हो। चलो तो बनाते हैं बच्चों, इसका क्या बनने वाला है, सेड हिज मदर एड्रेसिंग हिम, एड्रेसिंग सेड हिज मदर, उसकी मदर ने कहा सेड, और यहां पे बच्चों क्या लिखा हुआ था, She said, उसने कहा, अच्छा यहां पे मदर है, एड्रेसिंग एड्रेसिंग हिज सन, एड्रेसिंग हिज सन एज अ नॉटी बॉय, एड्रेसिंग हिज सन एज अ नॉटी बॉय, addressing his son as a naughty boy, the mother said, the mother said, the mother said that, the mother said that You, अर्थात कौन, नॉटी बच्चा, दैट ही, और नॉटी बॉय के लिए बच्चों क्या लेकर आएंगे, ही लेकर आएंगे, है ना, दैट ही और यू हैव बीन फाइटिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो किसमें चेंज करेंगे, वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, दैट ही हैड बीन फाइटिंग, दैट ही हैड बीन फाइटिंग, दैट ही हैड बीन फाइटिंग Again, he had been fighting that he had been fighting again. देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, addressing his son, अपने पुत्र को, या addressing him भी कह सकते हैं, addressing him as a naughty boy, the mother said, है ना, लेकिन अब उसका पुत्र है तो आप ये भी कह सकते हैं, addressing his son as a naughty boy, the mother said that he had been fighting अगेन, है ना, वह फिर से लड़ाई कर रहा था। तो बच्चों ये रही बात वो आपके टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग, एड्रेस की, है ना बच्चों, संबोधन शब्दों की, तो आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आप आसानी से कर पाएंगे। अब बच्चों देखिए, कई बार कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, कुछ ऐसे स्लैंग्स हैं इंग्लिश में जो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, बार बार बोल दिए जाते हैं, उनका कुछ खास अर्थ नहीं होता है, जैसे वेल, यू सी, देखो तुम, ओके, यू नो, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं कई बार, तो इनका कुछ अर्थ नहीं निकलता और इन्हें आपको क्या करना है, ड्रॉप कर देना, आदि शब्दों को छोड़ दिया जाता है। जैसे लिखा हुआ यू सी, देखो तुम, आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स, मैं ऐसी चीज़ें टॉलरेट नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता है, द फादर सेड। तो बच्चों क्या बनाने वाले हैं इसको, इन्हें आप छोड़ दीजिए, यू सी, देखो तुम, छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं, तो द फादर सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, द फादर सेड दैट ही कैन नॉट, ही कुड नॉट, है ना, कैन नॉट को बच्चों क्या कर लेंगे, कुड नॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, कैन की पास क्या होती है बच्चों, कुड होती है, दैट ही कुड नॉट टॉलरेट, कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग्स, राइट, सो इजी, है ना बच्चों, वेल, यू सी, ओके, यू नो, वर्ड्स को छोड़ दिया जाएगा, यू सी यहां पे ड्रॉप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, वेल राम, आई शैल गिव यू अ प्राइज, है ना, कि राम, अच्छा राम, तो मैं तुम्हें एक प्राइज दूंगी, तो इसमें वेल को आप ड्रॉप कर सकते हो, और राम का क्या करेंगे बच्चों, राम का क्या करेंगे, बिल्कुल बढ़िया, यहाँ ऑब्जेक्ट बना लेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना लेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट बना लीजिए इसे, है ना, माय मदर सेड, वेल राम, माय मदर सेड, तो माय मदर क्या हो जाएगा बच्चों, माय मदर टोल्ड मी, टोल्ड, My mother told Ram. My mother told Ram.
दैट दैट शी, ये आई किसके लिए आया बच्चों, मदर के लिए आया है, दैट शी वुड, और शी के साथ फ्यूचर में विल आना चाहिए, तो विल का पास्ट क्या होता है बच्चों, वुड हो जाता है, दैट शी वुड गिव, दैट शी वुड गिव हिम, यू के लिए क्या हो जाएगा राम के हिसाब से, हिम हो जाएगा, गिव हिम अ प्राइज, क्या बच्चों, गिव हिम अ प्राइज, सो इजी, बेहद आसान। तो ये बात रही बच्चों, ये बात रही आपके ऐसे वर्ड्स को जिन्हें आप ड्रॉप कर देते हैं, है ना, वाइल मेकिंग द इनडायरेक्ट, ठीक है बच्चों, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत छोटी बात है। देखिए और क्या लिखा हुआ है, थैंक यू, होप, फील आदि शब्दों को रिपोर्टिंग वर्ब थैंक्ड, होप्ड या फेल्ट आदि शब्दों में बदल लिया जाता है। बच्चों थैंक यू को आप थैंक्ड में, होप को होप्ड में, फील को फेल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, रिपोर्टिंग वर्ब में आप इन्हें थैंक्ड या होप्ड या फेल्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे डायरेक्ट लिखा हुआ है बच्चों, ही सेड टू द मैनेजर, ही सेड टू द मैनेजर, उसने मैनेजर से कहा, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, ही सेड टू द मैनेजर, उसने मैनेजर से कहा। तो बच्चों क्या करने वाले हैं कि ही थैंक्ड द मैनेजर, ही थैंक्ड टू द मैनेजर, ही थैंक्ड द मैनेजर और यहाँ सर बच्चों लिखा हुआ है, सर, सर तो मतलब रिस्पेक्टफुली आपको लगाना चाहिए यहाँ पर, ही रिस्पेक्टफुली थैंक्ड, फाइन, रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द मैनेजर फॉर हिज हेल्प, फॉर हिज, फॉर हिज हेल्प, ही रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द मैनेजर, ये जो सर आया है बच्चों इसके लिए आप रिस्पेक्टफुली शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और थैंक यू फॉर हेल्प, थैंक यू फॉर योर हेल्प के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, ही रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द मैनेजर फॉर हिज हेल्प, उसकी हेल्प के लिए। आई होप बहुत आसान सी बात थी ये, कुछ बहुत मुश्किल नहीं था। बच्चों डायरेक्ट देखिए लिखा हुआ, राम सेड आई फील सॉरी फॉर वॉट आई हैव डन, जो मैंने किया है उसके लिए आई फील सॉरी, तो राम सेड, राम ने कहा, तो क्या कर देंगे बच्चों, ही फेल्ट सॉरी, राम फेल्ट सॉरी, राम फेल्ट सॉरी। आपको बच्चों बनाना नहीं है, वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होंगे और आपको देखकर समझना है वाक्यों को मीनिंग के हिसाब से, और जो ठीक होगा उसे आपको क्लिक कर देना है, तो बहुत मुश्किल नहीं होने वाली, वहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट, राइट। तो बस पता होनी चाहिए चीज़, जब सामने कोई नई चीज़ आए तो आपको पता रहे, हाँ भाई ऐसा तो होता है, बस ठीक बात बन जाएगी। तो राम फेल्ट सॉरी, राम ने सॉरी फील किया फॉर किसके लिए, फॉर वॉट, फॉर वॉट ही हैड डन, फॉर वॉट ही हैड डन, फॉर ही, फॉर वॉट ही हैड डन, जो उसने किया था। तो बच्चों ये रहा आपका के कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें, जिनको आप रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर पाते हैं, थैंक यू, होप, फील, है ना बच्चों, तो ये वर्ड्स आप इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर लेते हैं इजिली। सर के लिए रिस्पेक्टफुली आप लगा सकते हैं। तो बहुत थोड़ी सी बातें आज, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हुई बच्चों, इनके नोट्स बना लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए बच्चों, बिल्कुल छोड़ना नहीं है किसी चीज़ को भी, करेक्ट, फाइन। बच्चों चलो स्विच करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी अगर रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में चेंजेस कई बार नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होती, मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, अर्थात हमारा मेन क्लॉज पास्ट में है, तो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज अर्थात रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए, बट इट डज नॉट ऑलवेज हैपन, ऐसा हमेशा नहीं होता बच्चों। जब कुछ सिचुएशन बच्चों ऐसे होते हैं जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने के बावजूद रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में चेंजेस अलाउ नहीं होते हैं। लेट्स सी, देख लीजिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, कि कुछ एग्जाम्पल से बच्चों
चार सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन बच्चों क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, जब हमेशा सच रहने वाली कोई बात बच्चों बताई जाए, कोई ऐसी बात जो हमेशा सच रहती है, दैट ऑलवेज रिमेन्स ट्रुथ, है ना, जो हमेशा फैक्ट रहती है, ऐसी चीज़ों में आपको टेंसेस में चेंजेस अलाउड नहीं है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस बच्चों लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। टीचर ने कहा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमती है, तो एक ऐसी बात है जो हमेशा सच रहेगी, तो इसके टेंसेस में चेंजेस नहीं होने चाहिए। सिंपल सेंटेंस क्या बन जाएगा बच्चे, जल्दी से बता दो, द टीचर सेड that the earth moves round the sun, है ना बच्चों, इसको ऐसे ही बना देंगे बिना टेंसेस में चेंजेस के हुए, बिना टेंसेस में बच्चों चेंज किए हुए, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जैसे लिखा था वैसे ही दैट लगाकर आप जोड़ दें, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, जस्ट बिकॉज, क्योंकि इसमें बच्चों कौन सी बात कही गई है, इसमें एक यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, करेक्ट, जो हमेशा सच रहता है, अर्थ मूव्स राउंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना बच्चों, तो ठीक है, द स्टार्स शाइन एट नाइट, है ना बच्चों, तो ऐसी चीज़ें, तारे रात में चमकते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हमेशा सच रहती हैं उन्हें यूनिवर्सल फैक्ट कहते हैं, इनके टेंसेस में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज हैबिचुअल फैक्ट, कोई आदत संबंधी बात बच्चों अगर बताई जाए तो भी आप उसे चेंज नहीं, क्योंकि वो परमानेंट चीज़ है, ये जितनी भी सिचुएशन है बच्चों वो परमानेंट फैक्ट्स हैं, वो स्थाई सत्य हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए टेंसेस में सामान्य रूप से। दूसरा हैबिचुअल फैक्ट आप इनमें गिन सकते हैं, आदत संबंधी बातें, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते जो है किस पर भौंकते हैं, अजनबियों पर भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो सिंपली क्या कर देंगे बच्चों, The teacher said that the dogs bark at strangers. What? Strangers मतलब अजनबी, करेक्ट बच्चों, अजनबियों पर दे बार्क, है ना, वे भौंकते हैं, तो ये भी ये आदत संबंधी बात थी। अगर बच्चों कोई कहावत हो, कोई प्रॉवर्ब हो, तो भी आपको इसके टेंसेस में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कैसी बात, कोई प्रॉवर्ब है, कहावत है जो हमेशा सच रहती है, परमानेंट है। ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एक सबसे अच्छी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो इसमें भी बच्चों चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, है ना, जैसे लिखा है वैसे ही आप लिख सकते हैं, एज इट इज़ दैट यू से, ही सेड दैट Honesty is the best policy. What is the best policy? Fine. No changes at all. Correct? अगर कोई historical fact, कोई ऐतिहासिक घटना जो permanent है तो उसे भी आप change नहीं करते। जैसे the history teacher said, history teacher ने कहा, क्या कहा बच्चों, the history teacher said Samudragupta is called द नेपोलियन ऑफ इंडिया, करेक्ट बच्चों, कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये हमेशा कहा जाएगा, ठीक है, तो इसके इसमें भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप बना दीजिए, द हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्ता is called the Napoleon of India, करेक्ट बच्चों, इसमें भी टेंसेस में चेंजेस करने की जरूरत नहीं, इसको वॉज में नहीं करेंगे, है ना बच्चों, तो ये रही बहुत ही बेसिक बात कि ऐसे फैक्ट भी हैं जिनमें हमें टेंसेस के चेंजेस अलाउड नहीं है, वो कौन से हैं, वो हैं आपके यूनिवर्सल ट्रुथ्स, हैबिचुअल ट्रुथ्स एंड प्रोवर्ब्स एंड हिस्टोरिकल फैक्ट, चार सिचुएशन है बच्चों, बिल्कुल याद रखनी है आपको, है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, हैबिचुअल फैक्ट्स,
प्रोवर्ब्स एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो सकते हैं, तो जहाँ पर टेंसेस के चेंजेस नहीं करने चाहिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई बच्चों, करेक्ट। चलो अब बच्चों बढ़ते हैं, चलो बच्चों तो इंटरोगेटिव पे मूव ऑन करते हैं। इंटरोगेटिव में बच्चों आपको क्या देखने की जरूरत है कि इंटरोगेटिव में दो तरह के इंटरोगेटिव्स होते हैं बच्चों, यस नो टाइप वाले एंड डब्ल्यू एच वर्ड्स वाले, यू नो वेरी वेल, है ना। ये बात आपको पता है कि यस नो टाइप वाले जिनका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं, और डब्ल्यू एच वर्ड्स वाले। तो बच्चों यस नो टाइप वाले में हमारे पास दो कंजंक्शंस अवेलेबल होते हैं, हमारे पास दो कंजंक्शंस अवेलेबल हैं, इफ या फिर वेदर। क्या बच्चों? इफ या फिर वेदर, दो कंजंक्शंस अवेलेबल हैं, इनकी मदद से हम सेंटेंसेस जोड़ेंगे, राइट। और वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब जो रिपोर्टिंग वर्ब हमें इस्तेमाल करनी है वो क्या है बच्चों? वो आस्क्ड, आस्क्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इंक्वायर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। किस में कर सकते हैं? आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ, ऑफ आता है बच्चे इसके साथ, ठीक है, इसके साथ ऑफ आती है, राइट। और डब्ल्यू एच वर्ड्स, डब्ल्यू एच वर्ड्स बच्चों इनमें हमारे पास जितने डब्ल्यू एच वर्ड्स कंजंक्शंस अवेलेबल हैं वो सारे बच्चों हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये जितने वर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है बच्चों यही हमारे क्या बन जाते हैं? यही हमारे जो है कनेक्टर्स बन जाते हैं, यही हमारे कंजंक्शंस का काम करते हैं बच्चों, ठीक है। जितने भी हैं हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हिच, When, why, whom, where, जितने भी बच्चों बच रहे हैं, करेक्ट, ये सारे हमारे कनेक्टर का काम करते हैं, ठीक है। वर्ब बच्चों ये यही आने वाले हैं, वर्ब यहाँ भी वही आने वाले हैं, ये बच्चों ये वर्ब आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ ये इन दोनों में आने वाली है ना, रिपोर्टिंग वर्ब में तो यही आने वाला है। कनेक्टर की अगर बात करें तो बच्चों यहाँ पे इफ और वेदर कनेक्टर की तरह काम करते हैं, और यहाँ पर हमारे डब्ल्यू एच वर्ड्स ही कंजंक्शन का काम करने लग जाते हैं। चलो लेट्स मूव ऑन। जैसे यस नो टाइप वाले हैं तो यहाँ पे बच्चों सेंटेंस आपके पास अवेलेबल है, जल्दी से फ्रेम करिए, दिमाग में फ्रेम करिए, और वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। डायरेक्ट है बच्चों, हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा। आर यू रीडिंग अ बुक, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो भाई? तो आप क्या बोलने वाले हो? हरी आस्क्ड, या फिर इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं, हरी आस्क्ड। वैसे इंक्वायर्ड बच्चों जब कोई इंक्वायरी जैसी चीज़ हो तो अच्छी रहती है, तब उसका प्रयोग करना बेहतर रहता है। जब आप पुलिस इंक्वायरी करे, है ना, ऑफिसर इंक्वायरी करे, या आप किसी से इंक्वायरी करें किसी अनजान व्यक्ति से, तो फिर इंक्वायर्ड अच्छा होता है। हरी आस्क्ड ही, हरी आस्क्ड मी, आर यू, तो आर यू की जगह क्या करेंगे बच्चों? इफ या वेदर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट हो रहे, पता चल जाते हैं ये यस नो टाइप वाले हैं। यस नो टाइप वाले बच्चे सबसे पहले आप जान जाएंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं ऐसे सेंटेंसेस, करेक्ट। तो इफ और वेदर आएगा, इनमें से कोई एक यूज कर सकते हो। मैंने इफ यूज कर लिया है, इफ यू, तो यू किसके लिए आया है? ऑब्जेक्ट के लिए, तो यू आई यहाँ पर है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो आई हो जाएगा बच्चों। यू किसके हिसाब से हो जाएगा? मी के हिसाब से आई बन जाएगा। इफ आई, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है तो पास्ट में हो जाएगा। इफ आई वॉज, इफ आई वॉज रीडिंग, इफ आई वॉज रीडिंग, इफ आई वॉज रीडिंग अ बुक, करेक्ट बच्चों। इफ आई वॉज रीडिंग अ बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ? वेदर आई वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है। हरी आस्क्ड मी इफ आई वॉज रीडिंग अ बुक, हरी आस्क्ड मी वेदर आई वॉज रीडिंग अ बुक। बच्चे सुनिए ध्यान से, है ना, समझ में आएगा अच्छे से। चलो एक और लीजिए, राम सेड टू सीता, विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या आप स्कूल जाएंगे आज? राम ने सीता जी से पूछ लिया है भाई, तो विल यू गो टू स्कूल टुडे, जल्दी से कन्वर्ट कर दो। राम आस्क्ड सीता इफ शी, यू किसके हिसाब से? सीता के हिसाब से। इफ शी वुड, है ना बच्चों, शी के हिसाब से, शी के साथ विल आना चाहिए, तो विल को हम वुड में कन्वर्ट कर लें। शी वुड, इफ शी वुड गो टू स्कूल, और टुडे को बच्चे किसमें चेंज करोगे? दैट डे में, है ना बच्चों। स्कूल को किसमें चेंज करोगे? टुडे को, सॉरी, टुडे को किसमें चेंज कर लोगे बच्चे? दैट डे, दैट डे, करेक्ट, ठीक। और यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव मार्क, इंटरोगेटरी मार्क बच्चों नहीं आने वाला, करेक्ट। शी सेड टू मी, डू यू लिव हियर? शी सेड टू मी, क्या तुम यहाँ रहते हो? ठीक है बच्चों, तो ये एक इंक्वायरी जैसा लग रहा है मुझे। शी इंक्वायर्ड ऑफ मी
whether you lived. बच्चों देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा. वेदर यू, यू किसके हिसाब से, आई के हिसाब से होना चाहिए. इसे ठीक कर लीजिए. वेदर आई लिव्ड और हेयर को देयर में, करेक्ट. वेदर यू लिव्ड देयर, बढ़िया. नेक्स्ट बता दीजिए जल्दी से. राहुल सेड टू हिज फ्रेंड, राहुल ने अपने फ्रेंड से कहा, क्या कहा बच्चे? डिड यू लेंड मी योर बुक, क्या तुमने मुझे अपनी बुक उधार दी, है ना बच्चे. ही राहुल सेड टू हिज फ्रेंड, राहुल ने अपने फ्रेंड से पूछा है, ठीक है. राहुल आस्क्ड हिज फ्रेंड, राहुल आस्क्ड हिज फ्रेंड, डिड यू लेंड मी योर बुक, इफ यू या वेदर यू लैंड मीन्स बच्चे क्या होता है, उधार देना. वेदर यू, वेदर डिड यू लैंड मी योर बुक, क्या तुमने मुझे अपनी पुस्तक उधार दी, नहीं दी. तो वेदर यू इफ और वेदर यू, यू नहीं, यू बच्चे नहीं आएगा. यू किसके हिसाब से आने वाला है, हिज फ्रेंड, तो ही आ जाएगा. हिज फ्रेंड वो थर्ड पर्सन है, ही आ जाएगा, ठीक है. तो ही लैंड मी, लैंड वेदर ही लैंड, डिड यू वेदर ही हैड. देखिए टेंस बच्चों क्या, टेंस की भी मैंने गलती की है, जल्दी से ठीक करिए इसको. वेदर ही हैड, ये डिड यू लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है. वेदर ही हैड तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा. वेदर ही हैड, वेदर ही हैड लेंट, है ना बच्चे. एंड लेंट मी, लेंट हिम हिज बुक, है ना बच्चे. यही आ रहा है. राहुल सेड टू हिज फ्रेंड दैट डिड यू, कि क्या तुमने, यानी उसके मित्र ने, ही हैड लेंट हिम, उसे दी थी, यानी इसके मित्र को, राहुल को, लेंट हिम हिज बुक, अपनी किताब, है ना, यही मित्र. तो ठीक है बच्चों, बढ़ गया, नो प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ये रहे बच्चों आपके इंटरोगेटिव में यस नो टाइप वाले, ठीक है. यस नो टाइप वाले होगा इसमें, इफ और वेदर का यूज़ कर रहे हैं. इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल नहीं है ये, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको डब्ल्यू एच वर्ड्स को देखना चाहिए बच्चों. डब्ल्यू एच वर्ड्स वाले, अब डब्ल्यू एच वर्ड्स की बारी है. तो डब्ल्यू एच वर्ड्स में अभी हमने बात करी कि आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में कन्वर्ट करना है, और डब्ल्यू एच वर्ड्स ही हमारा कंजंक्शन का काम करते हैं बच्चों, करेक्ट, ठीक है. तो टीचर आस्क्ड हरी, टीचर ने हरी से पूछा, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए, व्हाई डिड यू नॉट. तो यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड ही हमारा कंजंक्शन का काम करने वाला है, ठीक है बच्चों. तो हमें अलग से कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है, और असर्टिव सेंटेंस की तरह बच्चों सेंटेंस बनेगा, है ना, ठीक है. तो द टीचर, द टीचर, द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड हरी, द टीचर आस्क्ड हरी, द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई, वाई, अब यू देखिए यू किसके हिसाब से आएगा, हरी के हिसाब से आएगा. वाई और टेंस क्या है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होने वाला है. वाई ही हैड, वाई ही हैड नॉट, वाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल प्रीवियस डे, है ना बच्चों. वाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल, कम टू स्कूल द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर. बेहद आसान, करेक्ट बच्चों. डब्ल्यू एच वर्ड ही हमारा कंजंक्शन का काम करने लग गया है, बहुत बढ़िया. अगला बता दो जल्दी से. आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, पूछा या कहा, हु आर यू, आप तुम कौन हो, एंड वेर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रही हो, एंड वेर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रही हो. तो बच्चों क्या ये एक इंक्वायरी जैसा है, बिल्कुल ठीक. तो आई इंक्वायर्ड of her, who are you, who, she, ये कि ही किसके लिए आ रहा है, यू किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है. who she was, who she was, वह कौन थी, and where are you coming from, where she was coming from. नोट डाउन कर लो बच्चों, बिल्कुल समझ लीजिए इस चीज़ को.
अब कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बच्चों प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैक्सिमम पोर्शन कवर हो गया है, हो रहा है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बता दीजिए, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में कभी कभी येस और नो में आंसर आएगा, तो वहाँ कैसे हैंडल करना है उसे भी देख लीजिए। जैसे मैंने कहा आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा आर यू अटेंडिंग द क्लास, एंड राम सेड नो, राम सेड नो, नहीं। तो अब इस ये सेंटेंस कैसे बनने वाला है, तो बच्चों ये दो तरह से बन सकता है, देखिए कैसे। आई सेड, ठीक है बच्चों ये हेडिंग है, इसको लिख लीजिए आई सेड टू राम, आई सेड टू राम। अब ये कैसा है बच्चों, यस नो टाइप वाला है, तो क्या लगाने वाले हैं, इफ और वेदर लगाने वाले हैं। आर यू अटेंडिंग द क्लास, इफ ही, कौन राम, इफ ही वॉज अटेंडिंग द क्लास कि क्या वो क्लास अटेंड कर रहा था। अब राम सेड नो, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, फुल स्टॉप हो गई, बात खत्म हो गई, दूसरी बात शुरू हो रही। राम सेड that he wasn't, वह नहीं कर रहा था, दिस इज द फर्स्ट वे, ही wasn't, या फिर अगर वो कहता येस तो ही वॉज, क्या हो जाता बच्चों, येस राम सेड दैट ही वॉज, मतलब ही वॉज अटेंडिंग द क्लास, यही मतलब था उसका, है ना। वर्क को दोबारा रिपीट नहीं किया जाता, बस इतनी सी बात है, रिपीट करने की जरूरत नहीं बचती है। तो वो सिंपली क्या कहता है, राम सेड दैट ही wasn't, ठीक। और एक और तरीका है बच्चों इसको करने का एक और तरीका है, ही राम रिप्लाइड इन निगेटिव, राम रिप्लाइड इन निगेटिव, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि राम रिप्लाइड इन निगेटिव, राम रिप्लाइड इन निगेटिव, राम रिप्लाइड इन निगेटिव, है ना। अगर यस कहता तो बच्चों क्या करते, बिल्कुल ठीक, अफर्मेटिव, है ना, अब सुधारात्मक ढंग से उसने रिप्लाई किया, वो उत्तर दिया। रिप्लाई करने का मतलब क्या बच्चे होता है, उत्तर देना, तो राम रिप्लाइड इन नेगेटिव, यहाँ पर कैसा जो है रिप्लाई किया है, नेगेटिवली किया है, करेक्ट बात बच्चों बात समझ में आ गई। अब बच्चों एक पॉइंट और इस आपको इंटरोगेटिव में याद रखना चाहिए, दैट इज ये बात क्लियर है बच्चों कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस और नो को कैसे बदलना है, इस तरह से बदलना है कि आपको वर्ब को दोबारा रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई वर्ब को दोबारा लिख देना है, सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स को, मेन वर्ब्स को लिखने की जरूरत नहीं होती है दोबारा। या फिर आप रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या फिर रिप्लाइड इन नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल नोट बनाकर लिख लीजिए रिप्लाइड इन replied in affirmative या negative, बात समझ में आ गई बच्चों। या तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को दोबारा लिख लीजिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स को, करेक्ट, या फिर आप रिप्लाइड करके रिप्लाइड इन अफर्मेटिव रिप्लाइड इन नेगेटिव ऐसे भी कह सकते हैं, बढ़िया, क्लियर हो गए बच्चे बात। अब बात आती है बच्चों, कई बार आपको चॉइस अगर मिले और या और नॉट के साथ, तो आपको वेदर को प्रेफरेंस देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स वर्कआउट करने के लिए हैं, आप इनको वर्कआउट करके देखिए। जैसे शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू वॉन्ट टू हैव मिल्क और टी, कि क्या आपको मिल्क या चाय पसंद है, चाय या मिल्क में से क्या पसंद है। तो आपको यहाँ पर वेदर का प्रयोग बेहतर माना जाएगा, है ना। वेदर जो है चॉइस जब होती है और या फिर और नॉट के साथ, सो वेदर इज कंसिडर्ड मोर करेक्ट, वेदर को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, तो आप वेदर का यूज करेंगे। शी आस्ड मी वेदर वेदर शी आस्ड मी वेदर यू अर्थात आई whether I wanted, present indefinite है बच्चों, क्या हो जाएगा, past indefinite में affirmative sentence की तरह आएगा, ठीक है। whether I wanted to
have, whether I wanted to have tea, milk or tea. To have milk or tea. Milk or tea. तो बच्चे ये रही बात आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डब्ल्यू एच वर्ड्स की और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. ठीक है बच्चों, तो बच्चे बिल्कुल इनको नोट बना लीजिए. आप कभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है. दिस इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. फाइन, और एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आने वाला. ठीक है बच्चे, बस इनका रिवीजन कर लीजिएगा एक बार. मिलते हैं अगले टर्न पर नई चीज़ों के साथ, इसमें आगे बढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे अपने इंपरेटिव सेंटेंसेस को. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.